तो फ्रेंड अभी देखिए सानवी उठी है, आज उसका छुट्टी है तो स्कूल गई नहीं है। अभी उठी है, ब्रश की है तो उसे दूध दे दी हूँ मैं, दूध और पीडियाश्योर बिस्किट साथ में खा रही है। और मैं जा रही हूँ अभी नहाने, तो मैं नहाने चली जाती तो ये बैठ के वेट करती कब मम्मी आएगी तो दूध मिलेगा, इसलिए मैं पहले सोची कि थोड़ा देर हो बट इसे दूध दे कर जाऊँगी तो मैं भी निश्चिंत हो जाऊँगी। तो अभी देखिए उठी है तो दूध पी रही है, और आज पूरा दिन मुझे परेशान करेगी। जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन मुझे बहुत परेशान करती है सुबह से ही ये लड़की। और सब्जी नहीं बनाई हूँ, काट के यहाँ रख दी हूँ मैं, खाऊंगी उसके बाद सब्जी बनाऊंगी। तो ये देखिए आलू और कुम्हड़ा जिसे सीताफल भी बोलते हैं, तो इसका मैं सब्जी आज बनाऊंगी, मीठा वाला नहीं नमकीन वाला बनाऊंगी, मीठा वाला मुझे पसंद नहीं आता है तो आने के बाद बनाऊंगी वरना फिर और लेट हो जाएगा। तब तक सानवी अपना कुछ ड्राई फ्रूट ये सब खाएगी, और चाय बनाई थी अभी थोड़ा सा चाय इसमें है, और चंपा दीदी अभी काम करने आई थी तो उनको चाय दी हूँ, वो चाय पी के काम करके चली गई हैं। फ्रेंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड आप लोग, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और हम सब लोग भी अच्छे हैं। और अभी देखिए सानवी का तो आज छुट्टी है बताई हूँ, तो वो बैठ के अभी टीवी देख रही है और मैं नहाने चली गई थी तो नहा के अभी आई हूँ, पूजा हो गया है मेरा और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने, तो उसके बाद खाना बनाऊँगी नाश्ता। तो सब्जी तो मैं काट के गई थी आप लोग को दिखाई थी, चाय मेरा बना हुआ थोड़ा सा और दूध डाल के मैं गर्म कर लेती हूँ, और एक साइड सब्जी भी बना लेती हूँ नहीं तो फिर और देर हो जाएगी। आज बेटी घर में है तो उसको भूख भी लग जाएगी जल्दी ना। मैं तो अकेले रहती हूँ तो सोचना नहीं होता अपने लिए, बट बच्ची आज घर में है तो उसके लिए तो टाइम पे सब काम करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। और आज है गाइस बृहस्पतिवार दिन, तो बंगाल में हर बृहस्पतिवार के दिन हर घर में आपको अल्पना देखने को मिलेगा, तो मैं भी आज छोटा सा अल्पना बना के पूजा की हूँ। और यहाँ पे ना बृहस्पतिवार को लखी बार बोला जाता है, लखी मतलब लक्ष्मी, तो माँ लक्ष्मी का दिन बोला जाता है। तो इस दिन ना सुहागन औरतें सब पैरों में आलता जरूर लगाती है, सभी लोग रेगुलर नहीं लगा पाते हर बृहस्पतिवार को, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हर बृहस्पतिवार को ही आलता लगाएगी जरूर, और मेरा कोई ज़रूरी नहीं है, मैं कभी लगाती हूँ कभी नहीं भी लगाती हूँ, बहुत बहुत दिन हो जाते हैं आलता लगाए हुए। तो आज बृहस्पतिवार है तो मेरा मन कर रहा है कि ऐसे सावन का महीना भी चल रहा है तो ये सब तो मैं कर ही चुकी हूँ, तो आलता बाकी रह गया है तो आलता भी मैं आज लगाऊंगी। और जब भी मैं आलता लगाती हूँ मेरी बेटी ज़रूर लगाती है, वो आज वो घर में ही है, उसको भी अच्छा लगता है, छोटे छोटे पैर में ना आलता लगाती हूँ ना तो बहुत सुंदर लगता है देखने में, मैं लगाऊंगी उस टाइम आप सबको दिखाऊंगी ज़रूर। तो चलिए फ्रेंड बातें कम करते हैं, काम अपना शुरू कर लेते हैं वरना लेट हो जाएगा। मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें मैं डाल रही हूँ तेल, और आज मैं आप लोगों के साथ ये कोड़ा आलू का नमकीन वाला सब्जी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं 5 फोरन डाल दी हूँ, इसमें सब कुछ है, मेथी सौंफ जीरा अजवाइन और मंगरेला जिसको बोलते हैं वो भी है, तो वो मैं डाल दी हूँ, और 3 चिली डाल दी हूँ मैं इसमें, और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें कटा हुआ कोहरा और आलू। तो देखिए ना मैं सब्जी काट के गई थी और पानी में डालना भूल गई थी तो आलू थोड़ा सा ना काला कालापन जैसा हो गया है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ अभी। इसमें डाल दी हूँ मैं और इसे एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक ढक के पकाऊंगी, साथ में प्याज भी काट देंगे फ्रेंड, मैं भूल गई थी। वैसे बिना प्याज के भी बन सकता है, बनता भी है, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि मैं डाल देती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड, मैंने नमक भी डाल दिया इसमें। अब मैं इसे ढक देती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी भी छूटा है और तेल भी अलग हो रहा है धीरे धीरे, ये देखिए। और आलू आधा पक चुका है और ये भी पक गया है। थोड़ा देर इसे और फ्राई करेंगे, उसके बाद इसमें मसाला डाल देंगे। तो फ्रेंड, अब इसमें मसाला डालने की बारी आ गई है। तो अभी मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा डाली हूँ, और उसके बाद जो रेगुलर ड्राई मसाले जो होते हैं घर में हम लोग यूज करते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, ये सब वो मैं डालूंगी। तो देखिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैं डाली हूँ अभी यहाँ पे, और इसमें थोड़ा सा डालूंगी अभी धनिया पाउडर, ये है धनिया पाउडर, और थोड़ा सा जीरा का पाउडर भी डाल दी हूँ मैं, और थोड़ा सा तीखा लाल मिर्च भी डाल दी हूँ। तो बहुत ज़्यादा तीखा तो नहीं बनाती हूँ मैं, क्योंकि मेरी बेटी है और वो तीखा नहीं खाती है, तो मैं नॉर्मल ही रखती हूँ, हल्का फुल्का तीखा जैसा। और ये मीठा होता है ना हल्का, इसलिए थोड़ा सा डाल भी दी हूँ, नहीं तो कभी कभी तो सिर्फ फ़ौरन मतलब ग्रीन चिली का ही यूज करती हूँ, पाउडर डालती ही नहीं हूँ। और ये थोड़ा सा तो ये देखिए फ्रेंड, बन गया सब्जी, तैयार है पूरी तरह से, और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। कभी ट्राई करके देखिएगा आप लोग भी, देखिए, और खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है इसमें। थोड़ा सा गरम मसाला दी हूँ तो एक अलग तरह का फ्लेवर इसमें आता है, और टेस्ट में चार चांद लग जाता है मुझे। पहले मैं नहीं खाती थी, बट इस तरह से बनाने के बाद मुझे कोहरा अच्छा लगने लगा है और मैं खाती हूँ इसे। रोटी में मुझे ज़्यादा पसंद आता है, तो इस टाइम के ब्रेकफास्ट में होगा, और सब्जी यही मेरा लंच में भी हो जाएगा, क्योंकि माँ बेटी दो ही है, तो लंच के लिए अलग से क्या सब्जी बनाऊँ, ये सब्जी मेरा हो जाएगा। इतना सारा सब्जी तो ब्रेकफास्ट में ख़त्म होगा नहीं, और कुछ बना लूँगी। और अभी देखिए कुकर में उधर मैं दाल भी बना ली हूँ, और उसी में आलू डाल दी हूँ चोखा बनाने के लिए। तो फ्रेंड, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप लोगों से। और मेरा ट्राइपॉड है लेकिन टूट गया है, तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए मैं किस तरह से जुगाड़ करके यहाँ रेसिपी शेयर की हूँ, डब्बे के ऊपर डब्बा रख के, उसके ऊपर ये छोटा सा मोबाइल स्टैंड है इसको रख के मैं इस पर से शूट की हूँ आज। तो जगह भी छोटा है ना, तो ट्राइपॉड लगाने में दिक्कत होता है, तो इससे काम चल जाता है। तो मैं ट्राइपॉड कम ही यूज करती हूँ, कहीं दूर से भी लेना रहता है तो करती हूँ। और इधर देखिए मेरी बेटी सानवी होमवर्क कर रही है अपना, आज स्कूल नहीं है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड, बाय बाय एंड टेक केयर।